हरियाणा मां के हिसाब अभियान के लिए कांग्रेस ने गुड़गांव में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में प्रभारी दीपक बाबरिया, भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी उदयभान मौजूद रहे। तीनों कांग्रेसी नेताओं ने चुनावों के मद्देनजर जहां जरूरी दिशा निर्देश दिए, वहीं आगामी कार्य योजना भी बनाई। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर जुबानी हमले किए और कहा कि कांग्रेस की नीतियों और भाजपा की नाकामियों को घर घर तक लेकर जाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जनता इस बार कांग्रेस पर अपना विश्वास जताएगी और निश्चित तौर पर हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। कोई भी कार्य राजनीतिक प्रतिशोध से नहीं होना चाहिए। बाकी हमारे को जुडिशरी में पूर्ण विश्वास है, आपको आ जाएगा जब समय आएगा, पता लग जाएगा। सर, आपने हरियाणा की तमाम समस्याओं के बारे में बात की, अगर फिर से आपकी सरकार बनती है, हरियाणा में बेरोजगारी भी काफी है, तो पहला काम क्या करने जा रहे हैं सर? देखिए, तो हरियाणा में 2005 जब हमारी सरकार बनी, उससे पहले जो आज माहौल बना हुआ कानून व्यवस्था का, ऐसा ही था। सबसे पहले काम हमने किया था बदमाशों को, हमने कहा था बदमाशों ही छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, पहला तो ये काम करेंगे इन बदमाशों का, बदमाशों की हरियाणा छुड़वाएंगे। रोज फिरौतियां मिल रही हैं, रोज कत्ल हो रहे हैं, हर नेक्स्ट मतलब ये तो केंद्र का वो है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसने कहा है कि हरियाणा अनसेफ स्टेट है, असुरक्षित प्रदेश है। दूसरा ड्रग में हरियाणा में जो अब्यूज ऑफ ड्रग आप देख रहे हैं, पहले नहीं था, पंजाब से भी ज्यादा मौत नहीं है। तो भाई दो चीज तो पहले खत्म करेंगे, एक तो बदमाशी, एक नशा, जो नशे से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, और रोजगार के साधन पर। जब देश का माहौल, प्रदेश का माहौल जो है शांतिप्रिय होगा तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी, रोजगार के वो भी मिलेंगे, हम भी 2 लाख जो है पक्की नौकरियां लगाएंगे। ये था एक माहौल बनाएंगे और फिर से हरियाणा को कांग्रेस नंबर, हरियाणा को देश में नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।